हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक अजय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि विंडोज़ 11 का AI वर्जन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से हम डायरेक्टली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो है एक पेन ड्राइव लेंगे। पेन ड्राइव लेके उसको हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है सीधा जो है यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र में हम सीधा लिखेंगे विंडोज़ 11 डाउनलोड। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 कर देंगे। 11 करने के बाद सीधा इंटर करेंगे। यहाँ डाउनलोड विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट की पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करके इसको हमको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखे कह रहा है, यहाँ पे अगर कोई असिस्टेंट चाहिए उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दूसरा कह रहा है कोई अगर मीडिया से हमको इंस्टॉल करना है उसके लिए। अगर हमको ISO फाइल डायरेक्टली अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली जो है बूटेबल पेन ड्राइव में जो है पेन ड्राइव को बूटेबल बनानी है, तो पेन ड्राइव को हम सबसे पहले इसमें हम लगा लेते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी, विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन 23H2 डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। फिर हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद फिर हम जो है ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए विंडोज 11 सेटअप आ रहा है, गेटिंग ए फ्यू थिंग्स टू रेडी लिख रहा है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पेन ड्राइव को रीड कर रहा है। ये हमारा पेन ड्राइव रीड कर लिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा नेट जितना अच्छा रहेगा उतने स्पीड से ही हमारा यहाँ पे प्रोसीड होगा। यहाँ पे हो गया। फिर अभी हमारा कह रहा है कि हमारा यूज़ दी रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी। हमारा जो पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव में बूटेबल बननी है, या फिर जो है उसके अलावा हमको कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे टिक का निशान हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और जो ऑप्शन रहेगा उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अगर हमको यहाँ पे पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ USB फ्लैश ड्राइव कर लेंगे। अगर हमको डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से ISO फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। अब हमको पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना है तो हम USB फ्लैश ड्राइव पर क्लिक करके हम यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ हमारा जो पेन ड्राइव रहेगा वो हमारा देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम यहाँ दिस PC को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा डी ड्राइव जो है पेन ड्राइव है। तो हम यहाँ पे इसको करके हम इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये 20 से 25 मिनट जो है हमारा टाइम लेगा। उसके बाद फिर जो है हमारा पेन ड्राइव बन जाएगा। अभी हम इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है। बूटेबल बनने के बाद फिर हम इसको जो फिनिश कर दिए, फिनिश करने के बाद फिर हम आते हैं इसमें, देखते हैं हमारा पेन ड्राइव बना कि नहीं। अब हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के बाद हम लैपटॉप को यहाँ पे हम रिस्टार्ट करते हैं और पेन ड्राइव लगा के F12 प्रेस करते हैं और बूट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको रिस्टार्ट किया। ये भी हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ हम F12 प्रेस करेंगे जब तक हमारा बूट मेन्यू नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा F12 प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए बूट मेनू में इंटर हो रहा है। अब यहाँ पे हम UEFI बूट से हम पेन ड्राइव को जो है हम बूट करेंगे। यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। ये हमारा जो है विंडोज 11 का
इंस्टॉलेशन मोड स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके बाद फिर यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कस्टम इंस्टॉलेशन इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो कुछ भी हमारा बना हुआ हम ब्रेकफेस्ट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो सारा इसको हम डिलीट करके हम जो है इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। करने के बाद हम यहाँ हमारा जो अनलोकेटेड स्पेस में आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करके हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू करने के बाद इसको हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। हम इसमें हम केवल सी ड्राइव का पार्टीशन कर रहे हैं और पार्टीशन हम अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में इसको श्रिंक करके अलग पार्टीशन कर लेंगे। अभी हम केवल सी ड्राइव का पार्टीशन करके हम जो है उस पर हम क्लिक करके हाँ नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके हम इसको जो है हम आगे आपको जो हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है हम वहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर हमारा पीसी जो है रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद एक डिवाइस रेडी होगा। यहाँ पे हमको एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हमारा लाइट कट ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में हमारा बैटरी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर हम डेस्कटॉप चला रहे हैं तो डेस्कटॉप यहाँ पे हमारा शटडाउन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप शटडाउन हो जाता है तो ये जो है हमारा फिर जो है प्रोसेस पूरा बेकार हो जाएगा और फिर हमको फिर से विंडोज डिलीट करके फिर से हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हमारा डिवाइस रेडी हो गया है। डिवाइस रेडी होने के बाद यहाँ पर हम यहाँ यूएस क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ इंग्लिश इंडिया चूज करेंगे, उसके बाद फिर यस करेंगे। यहाँ हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पे हमको बिना इंटरनेट कनेक्ट किए हुए जो है ये आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसलिए हम यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन ऑन हो गया। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रहा है कि हमारा विंडोज जो डाउनलोड किया हुआ है ये हमारा अपडेट है या नहीं है, कैसे सारा अपडेट करके पीसी को भी चेक करेगा इसका प्ले सूटेबल है कि नहीं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेगा। अभी कह रहा है प्लीज़ कीप प्योर पीसी ऑन। यहाँ हम डिवाइस का नाम दे देंगे।
पर्सनल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है, साइन इन करेंगे। यहाँ पे साइन इन के लिए माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी चाहिए होगी इसको। यहाँ पे देखते हैं साइन इन ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। अगर हमारे पास सिक्योरिटी कीज़ है उसके लिए हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे यूजर नेम है उसके लिए। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड है नहीं तो यहाँ पे ईमेल पे हम एक कोड ले लेंगे। यहाँ साइन इन कर लिया हमने। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी से कनेक्टेड है वो उसको फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर जो है न्यू पीसी बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे न्यू पीसी पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पिन क्रिएट कर लेंगे। ओके कर दिया। ये कह रहा है कि हम सेम पिन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको कुछ अलग नंबर डिजिट करना होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सेप्ट। यहाँ पे हमने सारा टिक कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो रहा है। अगर हमको पीसी को जो है मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जो है हम यहाँ QR स्कैन करके जो हम मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे फिलहाल स्किप करेंगे। यहाँ एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अभी ये कह रहा हमको 365 फ्री चाहिए, तो हमको 365 फ्री नहीं चाहिए, हम यहाँ डिक्लाइन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको भी हम स्किप कर देते हैं। ये फाइनली हमारा इंस्टॉल हो गया है। गेटिंग थिंग रेडी फॉर यू। बस 2 मिनट और 2 मिनट में हमारा इंस्टॉल हो जाएगा फाइनली। उसके बाद फिर डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप पे हम आपको दिखा देंगे कि हमारा AI वर्जन जो है विंडोज 11 इंस्टॉल हुआ या नहीं। फाइनली हमारा इंस्टॉल हो गया है। हमारी ईमेल आईडी कनेक्ट थी, हमारा नाम भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, ये हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा AI वर्जन है, जिससे हम जो है सारा AI से रिलेटेड जो भी काम करना होता है हम यहाँ से कर सकते हैं। बिंग में रिलेटेड AI देखिए लिखा हुआ है, यू आर एवरीडे AI विद बिंग। यहाँ मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस, मोर प्रिसाइज। यहाँ पे ओपन नोट है, जो भी करना होता है हमको AI से कर सकते हैं। फाइनली हमारा विंडोज 11 का ये AI वर्जन इंस्टॉल हो गया। हम यहाँ विन वर्जन करके भी देख सकते हैं। यहाँ विंडोज R कमांड लगाएंगे, यहाँ हम विन वर लिख के एंटर करेंगे, दिखा देगा। देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन 2023H2 और ये प्री एक्टिवेटेड विंडोज हमारा इंस्टॉल हो गया है।
ओके गाइज, अगर दो वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो है विंडोज 11 से रिलेटेड जो नए नए फीचर्स जो अपडेट हो रहे हैं उसको हम बताएंगे, और उसको जो है वो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा सी।